हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजीपानी क्लास पर। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है ब्रिथ यानी सर्कल। तो अगर आपको यह सीखना है हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे ब्रिथ यानी ये मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए ये ले आया, आज पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दूंगा, आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा, पूरा आज आपका क्लियर कर दूंगा। इसके फॉर्मूला भी बताऊंगा, जो है वो सब मैं आपको इसमें डिटेल से बता दूंगा। इसके कितने पार्ट में है वो भी मैं आज पूरा क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको सीखना है तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है? चलिए तो हम सीखेंगे ब्रिथ सर्कल के बारे में सीखेंगे, इसमें सीखेंगे ये कितने तरह के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको सीखना होगा ब्रिथ, ठीक है, सर्कल। तो इसमें सर्कल क्या होते हैं ये आपको सीखना होगा, ठीक है? क्या होगा सीखना होगा आपको, पहले सर्कल क्या होते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से समझाऊंगा। पहले आप सर्कल सीखिए, इसमें सर्कल होता क्या है, ठीक है? क्या होता है, चलिए क्वेश्चन, व्हाट इज सर्कल, ठीक है? क्या है, व्हाट इज सर्कल, चलिए यही हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्कल। तो हम देखेंगे सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल होता क्या है, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सर्कल। तो ब्रिथ, ब्रिथ एक ऐसा बंद एवं गोल आकृति है जिसका केंद्र बिंदु, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु उसकी परिधि से समान दूरी पर क्या हो, उसकी परिधि से समान दूरी पर हो, उसकी परिधि, जैसे देखिए ये आपका सर्कल है और उसके ये जो वृत्त का वृत्त जो वृत्त है उसका जो बंद बिंदु है एवं गोल आकृति जो है वो रहना चाहिए क्या, समान दूरी पर रहना चाहिए, किससे, परिधि से समान दूरी पर रहना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जैसे और इसमें कह सकते हैं किसको, इसमें त्रिज्या, इस ये आपका जो सर्कल है इसमें आपका त्रिज्या होता है, क्या होता है, त्रिज्या। तो आप त्रिज्या को क्या कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका है त्रिज्या है, ठीक है? तो त्रिज्या को हम त्रिज्या याद रख सकते हैं या इसे आर भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, आर, त्रिज्या को हम त्रिज्या याद रख सकते हैं, इसे या आर कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका सर्कल में आ जाता है, सर्कल आपको समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं ये आपके इसके पार्ट भी बताऊंगा। तो पहले आपको ब्रिथ के और अच्छे से समझाने के लिए हम लेंगे एक अच्छा सा सर्कल पारेंगे, उसके बाद इसमें हम एक सर्कल अच्छा जैसा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या होगा इसमें ये आपका सर्कल में, ठीक है? चलिए पारते हैं, एक हम अच्छा सा सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद आपको ये लिया हूँ एक सर्कल, यहाँ पर ले लिया हूँ मैं एक सर्कल। अब इसमें आपको समझाता हूँ अच्छे तरह से, सर्कल इसमें कितने तरह के होते हैं ये आपको बता दूंगा बाद में। पहले इसमें आप देखिए जो मेन पॉइंट है ये सर्कल से ही पता चल जाता है, इसमें कितने तरह के आ जाते हैं, सर्कल में कितने तरह के पार्ट होते हैं इसमें, इसी से पता चल जाता है, ठीक है, इसी से हमको पता चल जाता है। तो चलिए हम पहले इसमें एक लाइन सीधे देखिए, ये हमारा एक सर्कल है, यही कहा था बंद एवं गोल आकृति वाला, यानी इसमें बंद कहाँ है, ये हमारा एक बिंदु के केंद्र में होना चाहिए, ठीक है, इसके बंद आकृति के अंदर बिंदु का केंद्र एक होना चाहिए। तो ये हमारा देख लीजिए एक बिंदु का केंद्र, ठीक है, ये हमारा हो गया, यही ना हो गया हमारा। अब इसमें क्या है आपको अच्छे से समझाने के लिए चलिए हम देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया, ये एक बिंदु है और इसके गोल आकृति की यहाँ बाहर यही है हमारा गोल, ठीक है, यही हमारा गोल आकृति है इसके बाहर, यानी ये हमारा बंद एवं गोल आकृति का होना चाहिए। तो हमारा ये बंद है और उसके और आगे उसके ऊपर है एक गोल आकृति, तो यही होता है आपका सर्कल। अब इसमें क्या है इसी में हमको पता करना है, तो यानी देखिए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक सीधी से इसमें लाइन खींचेंगे उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है? चलिए एक सीधी से हम इसमें लाइन खींच लेते हैं, उसके बाद आपको चलिए हम कुछ ले लेते हैं लाइन खींचने के लिए, चलिए हम कुछ, चलिए कुछ तो मिला नहीं, यही मिला, चलिए इसी से हम कर लेते हैं। देखिए लाइन हम खींच लेंगे, ठीक है, चलिए एक लाइन खींच लेते हैं, ये देखिए हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तभी आपको अच्छे से समझाने के लिए समझा पाऊंगा, ठीक है? एक लाइन खींच लेते हैं, हम सीधा ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले अच्छे जैसा, चलिए हमारा अच्छे जैसा ये लाइन हो रहा है, ये हमारा हो गया ड्रॉ लाइन, ठीक है, हो गया।
चलिए ये हमारा लाइन हो गया ड्रॉ। तो यही है हमारा, यही आपको समझाने के लिए। देखिए हमारे यहाँ पर एक आ गया है, ये हमारा बिंदु, ठीक है, क्या है हमारा एक बिंदु है। तो यही हमारा एक खगोलियों के बारे में। तो अब इसमें आपको पता चल रहा है कुछ, इसमें कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कैसे, देखिए ये मैंने कहा था जो वृत्त का आकृति का जो गोल आकृति हो तो उसमें एक बिंदु से समान दूरी पर परिधि होता है, समान दूरी पर यह आपका गोल आकृति वाला होता है परिधि, ठीक है, समान दूरी पर होता है आपका ये गोल आकृति। तो इसमें आपको समझाने के लिए चलिए देखिए क्या है, ये हमारा समान दूरी पर गोल परिधि, तो हमारा यही ऊपर बाहर वाला जो है यही वो हमारा क्या, यही वो हमारा परिधि। ये आपका जो ये देखिए ये आपका एक बिंदु है और उसके समान दूरी पर, ये यहाँ से भी समान दूरी, यहाँ से समान दूरी, दोनों समान दूरी है। तो यहाँ से जो ये आपका बाहर वाला ऊपर वाला आ जाता है, यही आपका हो गया परिधि, क्या हो गया, यही आपका देखिए। और उसके बाद आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, यही आपका हो गया परिधि। और एक यहाँ से भी लाइन खींचेंगे, ठीक है, ये हमारा परिधि हो गया। अब चलिए देखिए हम एक और लाइन खींचते हैं, यहाँ से भी एक लाइन खिंचाएगा और अच्छे से समझाने के लिए आपको, देखिए चलिए हम लाइन खींचेंगे पहले यहाँ पर एक और एक यहाँ से भी लाइन खींच रही है, ठीक है, ये हमने लाइन खींच दिया, ये देखिए हमने लाइन खींच दिया, ठीक है, लाइन हमने खींच दिया। तो यही हुआ हमारा, ये हमने लाइन खींच दिया, तो ये हमारा बिंदु केंद्र, तो हमें इसी में पता करना है, देखिए यानी ये देखिए ये आपका इधर वाला हो गया, ये हमारा हो गया, देखिए यहाँ पर हमारा हुआ P, ये हमारा हो गया यहाँ पर P, ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा Q, यहाँ पर हो गया हमारा R, ये हमारा यहाँ पर A है, इधर B, ठीक है, और यहाँ पर आ गया ये जीरो में यहाँ पर O, ठीक है, क्या हो गया, O हो गया। तो इसी में होगा और आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है, चलिए यही हमारा हुआ बंद आकृति। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए देखिए ये हमारा A, ये आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका A भी, और यहाँ पर जो ये आखिरी आ जाता है यहाँ पर आपका ये C बच गया, ठीक है, C हो गया। तो इसी में हमको पहचानना है, क्या पहचानना है, इसी में हमको पहचानना है कहाँ कहाँ इसके पार्ट वाले, सर्कल के पार्ट वाले कहाँ कहाँ ये है, इसके जो भी इसके जितने प्रकार हैं वो कहाँ कहाँ, इसमें आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको पहले ये आपको जो ये बाहर वाला दिख रहा है ये ही बाहर वाला आपका हो गया परिधि, यही हो गया आपका बाहर वाला परिधि, ठीक है, क्या हो गया, यही हो गया हमारा बाहर वाला परिधि, ये हमारा परिधि हो गया यानी सर्कमफेरेंस, ठीक है, यही हमारा परिधि। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें आ गया देखिए हमारा आ जाता है ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी सी आ गया, ठीक है, और क्या है आपका सी हो गया, फिर यहाँ पर आ जाता है आपका पी क्यू आर, ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया ए बी सी, यहाँ पर ए आ गया, बी भी आ गया, सी, और ये आपका आ जाता है इसमें पी, पी भी आ जाता है, परिधि है। तो पूरा परिधि बाहर वाला जितना भी ये गोल आकृति दिख रहा है ये सारा परिधि है, ठीक है, परिधि इसका पार्ट हो जाता है परिधि, फिर क्यू पी, फिर क्यू भी आ गया, फिर आर भी आ गया, ठीक है, तो हम आर, तो हमने इतना चीज लिख दिया हम, ठीक है, लिख दिए हैं, चलिए ये हमारा हो गया। तो हमारा इतना चीज ये आपका परिधि में आ जाता है, किसमें, परिधि में। अब देखेंगे और, तो ये हम आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ लाइन खींचते हैं, ये आपका हो गया त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, क्या हो गया, त्रिज्या। तो हमारा ये इसमें क्या क्या आ गया देखिए, त्रिज्या, तो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या, तो इसमें हमारा ओ और सी आ गया, तो हम लिख लेंगे ओ और सी, त्रिज्या है, तो हम इसमें आ गया सी, तो त्रिज्या भी है इसका पार्ट ही है। चलिए ये आपका ओ और सी इसमें आ जाता है त्रिज्या में। अब इसमें देखिए, और ये आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है यहाँ, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये आपका हो जाता है व्यास, ठीक है, व्यास हो जाता है, क्या हो जाता है, व्यास। तो व्यास में हमारा कहाँ से कहाँ तक, ये ए से बी तक, ये इतना बड़ा लाइन दिख रहा है, यही हुआ हमारा व्यास, ठीक है, तो हम लिख देंगे ए से बी तक व्यास, ये हमारा व्यास हो गया। चलिए ये आपको पता चल गया, और ये आपका जीरो वाला जो यहाँ दिख रहा है यही हमारा मेन पॉइंट है, जो है हमारा केंद्र, यही जो हमारा मेन पॉइंट है ये हमारा केंद्र है, इसमें ओ आ जाता है, ठीक है, यही हमारा मेन पॉइंट है केंद्र, ठीक है।
इसी का एक पार्ट है। इसीलिए कहा था जो केंद्र है, केंद्र का गोल बिंदु है, उसी का ऊपर जो रहता है गोल आकृति में, तो यह हमारा परिधि समान दूरी पर बिंदु के, केंद्र के बिंदु के समान दूरी पर हमारा क्या होता है, परिधि होता है गोल आकृति। तो यह हमारा परिधि हो गया। तो इसमें ए बी सी पी क्यू, तो हमारा ये आपका ओ नहीं आया, क्योंकि केंद्र वाला में है, केंद्र से ही बिंदु से ही कुछ यहाँ पर दूरी है, समान दूरी है ना, ठीक है। तो यही हो गया हमारा। चलिए आपको समझ में आ गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, ये आपका आता है। अब चलिए व्हाट इज सर्कल का, इसका हम देखेंगे पार्ट्स, काइंड ऑफ सर्कल देखेंगे, क्या है इसका हम देखेंगे पार्ट्स, काइंड्स ऑफ सर्कल, ठीक है, ये हम ले लेंगे सर्कल। चलिए काइंड्स ऑफ सर्कल, तो हम ले लेते हैं काइंड्स ऑफ सर्कल, और इसमें देखेंगे इसके कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे, ठीक है। ये आपका दिख जाए, तो ये तो आप अच्छे से समझ ही रहे होंगे, बिंदु के आकृति पर समान दूरी पर आपका गोल आकृति होता है, उसी में आपका आ जाता है त्रिज्या, ए से बी तक व्यास आया, ए से बी तक व्यास, और ये आपका जो जीरो आकृति ये आपका केंद्र हो गया, ओ में आ गया, और ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक लाइन गया, ये लाइन गया, ये आपके ओ से सी में त्रिज्या आ जाता है, यानी आर आ जाता है, ठीक है, ओके। और ये आपका आ गया जो बाहर आकृति वाला हो गया गोल, इसे कहते हैं परिधि, ये आपको समझ गया। अब चलिए इसके प्रकार देखते हैं, कितने कितने प्रकार है, ठीक है। तो इसके मैं बता दी, तो इसका आंसर भी दे दूंगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 प्रकार के हैं इसके, तो हम सातों देख लेंगे, आपको अच्छे से समझा दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखते हैं इसके कितने भी 7 पार्ट हैं, वो भी आपका नाम भी बता देता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। देखिए वो 7 तरह के कौन कौन से हैं, ये आपके सर्कल के कितने पार्ट, 7 तरह के होते हैं, तो इसके कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट आपका आ जाता है परिधि, जिसे हम कहते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। चलिए तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट आपका आ जाता है परिधि, क्या आ जाता है फर्स्ट आपका आ गया परिधि, ठीक है। तो हम लिख लेंगे परिधि, यानी परिधि यानी होता है हमारा सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस, ठीक है, हमारा परिधि यानी होता है सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये आपका सर्कमफेरेंस यानी ये परिधि होता क्या है, ये आप समझिए, परिधि वह होता है जो बंद बंद वक्रीय आकृति को परिधि, यानी ये आपका बंद वक्रीय है, ये है हमारा बंद बंद है, ठीक है, ये हमारा ये बिंदु बंद वक्रीय केंद्र में है, और इसका जो ये आपका आकृति परिधि गोल आकृति परिधि को परिधि कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है, वो कौन सा है, इसलिए हम देखेंगे, इसलिए वह फॉर्मूला क्या है, क्या होता है वह फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है वृत्त की परिधि, ठीक है, ये आपका आ जाता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, यही फॉर्मूला है इसमें, परिधि में वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, ये होता है आपका 2 पाई आर, ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, चलिए इसका एक पार्ट हो गया। अब आपका इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा पार्ट आ जाता है कौन सा, चाप यानी आर्स, ठीक है। चलिए सेकेंड हो गया आपका चाप यानी आर्स हो गया। तो आर्स क्या होता है, ये आपका चाप क्या होता है, जो देखिए जैसे ये आपका है, क्या है ये जो आपका सर्कल दिख रहा है, ये जो आपका सर्कल है उसका सभी ये गोल आकृति वाले सर्कल का हर प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, गोल आकृति वाला ये आपका सर्कल का प्रत्येक भाग को बिंदु के केंद्र से प्रत्येक भाग को चाप कहते हैं, आर्स कहते हैं। यानी देखिए जैसे प्रत्येक भाग हो गया इसमें, ये देखिए ये जैसे आपको ये दिख रहा है ये सर्कल है, ठीक है, तो इसमें प्रत्येक भाग ये आपका एक बिंदु हो गया, अब इसी से प्रत्येक भाग यानी हम यहाँ से देखिए जैसे हम इधर ले लेते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका बिंदु आकृति है चाप का प्रत्येक भाग, यानी देखिए ये एक बिंदु है और इसे प्रत्येक भाग यहाँ इसे देखिए यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, तो हम यहाँ से ए यहाँ से यहाँ तक बी मान लेते हैं, तो हमारा ये प्रत्येक भाग ये हमारा चाप हो गया, ठीक है।
आ सुख या हम कोई भी, या हम यहाँ से यहाँ तक एक ले लेते तो चाप ले लेते हैं, या हम यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, या यहाँ से यहाँ तक, क्या नहीं, ये आपका जो आकृति है कि इसका प्रत्येक बिंदु के केंद्र से प्रत्येक भाग को चाप करते हैं, ये आपका सर्कल का प्रत्येक भाग को चाप करते हैं, यहाँ से बिंदु यहाँ से यहाँ तक भी हमारा एक प्रत्येक भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक भाग को चाप करते हैं हम, जिसमें भी चाप बनाए प्रत्येक भाग को चाप ही करते हैं, तो चाप पता चल गया। अब आप इसका आ जाता थर्ड, थर्ड आ जाता है जीवा, जीवा आ जाता है, ठीक है, थर्ड थर्ड आ जाता है आपका जीवा। चलिए आपका आ गया इसमें जीवा, जीवा आ गया, तो जीवा, जीवा यानी होता है कॉर्ड, कॉर्ड होता है, ठीक है, जीवा होता है एक कॉर्ड, ये आपका हो गया जीवा यानी कॉर्ड हो गया, क्या हो गया कॉर्ड, तो इसमें आपको समझना होगा क्या होता है, ये आपका जीवा यानी कॉर्ड होता है। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें वह होता है जैसे जैसे एक सर्कल है, क्या एक सर्कल, ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल सर्कल में ही रहता है, सर्कल है ये, एक यहाँ से बिंदु है, तो ये जीवा यानी होता क्या है, जो एक बिंदु हो और दूसरी बिंदु हो, जो एक एक से दूसरी बिंदु को जोड़ने का काम करता है उसे ही जीवा कॉर्ड कहते हैं। यानी देखिए ये यहाँ पर तो वो एक बिंदु पहले से ना, ये सर्कल का यहाँ से देखिए, ये एक यहाँ से बिंदु मान लीजिए और ये यहाँ से, ये हमारा ए मान लीजिए, यहाँ से हमारा बी मान लीजिए, तो यहाँ से एक बिंदु यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक बिंदु से दो बिंदु तक सर्कल में जोड़ने का काम किया हमारा ये जीवा, ये एक कॉर्ड, यही हमारा कहलाता है कॉर्ड, यानी एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक जोड़ने के लिए जो जोड़ा जाता है, जो वही आपका होता है जीवा कॉर्ड होता है, ठीक है, जीवा पता चल गया। तो इसका फोर आ जाता है, फोर का क्या आ जाता है, क्या आ जाता है इसमें, वृत्त का व्यास आ जाता है, तो फोर देख लेंगे, चलिए फोर आ जाता है आपका इसमें वृत्त, वृत्त का व्यास, व्यास व्यास आ जाता है, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो डायमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है, ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल ये आपका होता क्या है, तो इसमें आपको समझना होगा डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, चलिए देखते हैं। ये आपका डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी जैसे देखिए एक बिंदु है, एक गोलाकृति यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, तो इसी में सर्कल में, इसी में पता करना है, यानी डायमीटर ऑफ सर्कल यानी होता क्या है, जो जो एक बिंदु है उसे दो भागों में काटने का काम करता है उसे ही कहते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी क्या कहते हैं, ये आपका व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास, यानी ये यहाँ से एक लाइन है, ये बिंदु और यहाँ पर से दो, एक बिंदु को दो साइड, दो एक बिंदु को एक लाइन से काटा गया, एक रेखा से एक बिंदु को, रेखा से बीच का जो बिंदु है उसे एक रेखा से काटा जाता है उसे ही ये आपका कहते हैं, क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल, तो हमारा ए हुआ और यहाँ पर बी, यानी देखिए ये एक बिंदु है और इसे दो भागों से काटा, एक देखिए एक यहाँ से ऐसे करके काट दिया, एक ही बिंदु को यहाँ से काट दिया, बीचों बीच काटना है, किधर से भी काटे बीचों बीच काटना है, और ये आपका कहलाएगा व्यास कहलाएगा, यानी ए से बी तक, इसीलिए लिखा हूँ ए से बी तक, तो इसका पाठी में आ रहा है ना ये सब, ठीक है, चलिए ये भी आपको पता चल गया होगा। अब इसका आ जाता है ये आपका फाइव पार्ट, तो हम ये मिटाते हैं, उसके बाद आपको इसका फाइव पार्ट भी बताता हूँ, चलिए देखते हैं इसका फाइव पार्ट। आपका आ जाता है वो हम देख लेंगे, ठीक है, ये आपका जो अब आपका आ जाता है फाइव, तो हम देख लेंगे फाइव कौन सा आ जाता है, ठीक है, आपका फाइव आ जाता है, फाइव आ जाता है छेदक रेखा से कांट कहते हैं उसे, छेदक रेखा, ठीक है, क्या कहते हैं, ये आपका फाइव है, फाइव तो इसे कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा, छेदक रेखा कहते हैं, यानी सेकांट कहते हैं, सेकांट, ठीक है, सेकांट कहते हैं, ये आपका हो गया छेदक रेखा, तो हमारा हो गया छेदक रेखा या सेकांट, तो इसी में देखेंगे छेदक रेखा होता क्या है, यानी छेदक रेखा हुआ होता है जो दिए गए वृत्त का दो बिंदुओं को काट देता है उसे ही छेदक रेखा कहते हैं, दिए गए वृत्त के दो बिंदुओं को, जैसे देखिए ये आपका यहाँ पर एक सर्कल है, और तो एक तो यहाँ पर बिंदु पहले से होता है, ठीक है, तो एक बिंदु हमारा यहाँ पर मान लीजिए और एक बिंदु हमारा यहाँ पर, तो हमारा ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऐसे और यहाँ से यहाँ तक किया हुआ है, ठीक है,
ये आपका यहाँ पर पी आ गया था, चलिए मिल गया सर। तो हमारा सेम टू सेम यही जैसा है, तो ये हमारा दो बिंदुओं को काटा है, तो इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा हो, इसमें देखिए समझाता हूँ। ए और बी है तो इसमें काटा है छेदक रेखा को कैसे, दो बिंदु देखिए, एक यहाँ से काट दिया, यहाँ से यहाँ तक काट दिया है, बड़े लाइन जैसा दोनों में बढ़ा बढ़ा के काट दिया, ये हमारा कट गया। यानी दिए गए छेदक रेखा हुआ होता है जो वृत्त के, दिए गए वृत्त के दो बिंदुओं को जो काट देता है उसे ही छेदक रेखा कहते हैं। जैसे ये मैंने काटा, ऐसे ही कटा जाता है, ये छेदक रेखा में सेकांड कहलाता है। चलिए अब आपका इसका सिक्स पार्ट, ठीक है, हम इसका सिक्स पार्ट भी देखेंगे, ये फाइव भी बता दिया, अब इसका सिक्स पार्ट आ जाता है। सिक्स पार्ट कौन सा हो जाता है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सिक्स पार्ट। छेदक रेखा हो गया, अब आपका आ जाता है सिक्स पार्ट, तो आपका आ जाता है कौन सा, ये आ जाता है वृत्त खंड, कौन सा वृत्त खंड आ जाता है, वृत्त खंड, देखिए आपका वृत्त खंड हो जाता है, ठीक है, वृत्त खंड, ये आपका हो गया, आपका जो आ जाता है वृत्त खंड, तो हमने लिख दिया वृत्त खंड, देख लीजिए ये आपका हो गया वृत्त खंड, तो वृत्त खंड यानी सेगमेंट होता है, सेगमेंट, ठीक है, क्या होता है, सेगमेंट होता है, वृत्त खंड यानी सेगमेंट होता है, तो देखेंगे सेगमेंट होता क्या है, ठीक है, ये आपका वृत्त खंड हो गया, तो देखेंगे इसमें क्या होता है, चलिए देखते हैं। किसी चाप और इसके संगत के मध्य का क्षेत्रफल कहलाता है उसे ही वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी इसमें एग्जांपल के तौर पर जैसे देखिए ये सर्कल है और यहाँ पर से एक लाइन खींच लिया, यानी जैसे ये देखिए ये साइड वाला दिख रहा है, ये इसी में, यानी ये साइड वाला हो गया हमारा लघु, क्या हो गया, लघु वृत्तखंड, और ये साइड वाला हमारा, ये साइड वाला लघु वृत्तखंड और ये साइड वाला हमारा हो गया दीर्घ वृत्तखंड, तो हम इसी में लिख लेते हैं लघु, क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड ये साइड वाला हमारा लघु वृत्तखंड और ये साइड वाला हो जाता है हमारा दीर्घ वृत्तखंड, तो इसे ही कहते हैं हमारा वृत्तखंड कहलाता है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब आपका आ जाता है सेवंथ, सेवंथ आ जाता है इसका पार्ट, वो है कौन सा, ये आपका स्पर्श रेखा, लिख देता हूं स्पर्श, ये आपका हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा टैगमेंट कहते हैं, टैगमेंट, ठीक है, टैग टैगमेंट, चलिए टैगमेंट, ठीक है, टैगमेंट, चलिए टैग टैगमेंट, ये आपका हो गया टैगेंट, ठीक है, टैंगेंट, तो ये आपका हो जाता है स्पर्श रेखा टैंगेंट। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, इस पे एग्जाम्पल इसका जैसे हम देख लेते हैं क्या होता है, ये आपका स्पर्श रेखा एक ऐसा बिंदु जो केवल वृत्त के एक स्थान पर मिलता है, तो वो आपका टैंगेंट कहलाता है। यानी जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये आपका एक सर्कल हो गया और ये एक बिंदु है, ठीक है, एक ही रेखा पर मिल रहा है, यानी जैसे ये लाइन खींचाता तो एक रेखा हो गया और यहाँ से मिलता है, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा हुआ, आपको अच्छे से समझाने के लिए देखिए, यानी ये हमारा जीरो से मान ओ मान लीजिए और यहाँ पर हमारा एक लाइन आ गया तो एम हो गया और ये एन हो गया, तो यही होता है आपका स्पर्श रेखा, ठीक है, जो एक बिंदु पर सिर्फ मिलता है, वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ मिलता है उसे ही कहते हैं स्पर्श रेखा। ओके, तो ये मैंने आपको वृत्त के सर्कल के बता दिए, ये इसके पार्ट भी बता दिए, अब चलिए इसके जो फॉर्मूले हैं, कुछ अनेक सारे फॉर्मूले हैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा आज ही, चलिए देखते हैं उसके कौन कौन सारे, चलिए देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ले लिए हैं इसकी, इसी के हम फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है, तो यही वृत्त का आपका ही फॉर्मूला है, देखिए क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है, टीचर कहे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, तो आप कहिएगा पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब सेकेंड, वृत्त की परिधि, तो वृत्त का क्षेत्रफल याद रखिए, वृत्त की परिधि बहुत सिंपल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो वृत्त की परिधि 2πr, ठीक है, 2πr, यानी पाई हो गया और ये 2 स्क्वायर हो गया और ये हमारा r क्या हो गया, त्रिज्या, तो हम लिख देंगे 2πr, तो वृत्त की परिधि 2πr, जैसे वो सर्कमफेरेंस में बताया था, ये परिधि 2πr, यही हुआ इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल है, इसका उल्टा कर दीजिए,
ये आपका वृत्त की परिधि का बस उल्टा कर देना है, तो ये आपका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि 2πr, ये याद रख लीजिए। अब है वृत्त का व्यास, क्या है वृत्त का व्यास, तो इसका हो जाता है क्या, ये होता है 2r होता है, सिर्फ इसका फॉर्मूला ये मिट गया, जरा कर लूं, ये इसका सिर्फ 2 और r होता है, यही है इसका फॉर्मूला 2r, वृत्त का व्यास सिर्फ 2r है, क्या है ये वृत्त का व्यास सिर्फ 2r है, यही इसका फॉर्मूला, बहुत सिंपल है याद रखना, बहुत सिंपल सा याद रखिए। अब आ जाता है आर्द्र वृत्त का क्षेत्रफल, क्या आ जाता है आर्द्र वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आर्द्र वृत्त का क्षेत्रफल हम देख लेंगे, आर्द्र वृत्त का क्षेत्रफल तो इसमें आ जाता है पाए, देखिए पाए आर स्क्वायर अपॉन टू, बस यही इसका फॉर्मूला, आर्द्र वृत्त का क्षेत्रफल पाए आर स्क्वायर अपॉन टू बट्टा दो, बस यही इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है आर्द्र वृत्त का क्षेत्रफल। अब आ जाता है आर्द्र वृत्त की परिमिति, ठीक है क्या है आर्द्र वृत्त की परिमिति, तो इसका फॉर्मूला आर्द्र वृत्त का परिमिति, देखिए आर्द्र वृत्त का परिमिति, देखिए इसका फॉर्मूला है पाए आर प्लस टू आर, क्या है पाए आर प्लस टू आर, ये आर प्लस टू पाए आर प्लस टू आर हो गया, ठीक है। अब आपका आ जाता है चाप की लंबाई, तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला, टीचर क्या चाप की लंबाई होता क्या है, तो आप क्या कहिएगा इसका फॉर्मूला, देखिए क्या आता है फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला हो जाता है इसका चाप की लंबाई बराबर होता क्या है टू पाए आर ओ, टू पाए आर ओ ये वाला ओ, ठीक है टू पाए आर ओ और अपॉन देना है उसके बाद लिख देना है 360, यानी देखिए चाप की लंबाई इसमें लिखा हो क्या 360, यानी आपके पास तो वो होता ही होगा उसे के वो जो आपके पास चांद होता होगा उसे क्या कहते हैं, ये आपके पास तो वो होता होगा, वह यही है इसे कहते हैं प्रोटेक्टर, क्या कहते हैं इसे प्रोटेक्टर कहते हैं, ठीक है ध्यान से देखिए इसे कहते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ से ये देखिए यहाँ से जीरो है स्टार्ट पॉइंट, और यही से दस, ये आपका 10, 40, 50 ऐसे यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ये लास्ट आता है खत्म हो जाता है 180 तक, यहाँ से ये आपका स्टार्ट पॉइंट, यहाँ से मान लीजिए ये मान लीजिए यहाँ से आपका हो गया जीरो स्टार्ट पॉइंट बिंदु से, और यहाँ से ये आपका 10, 20, 30, 40 और यहाँ तक आके 180 डिग्री पर खत्म होता है, जीरो डिग्री स्टार्ट होता है और 180 डिग्री पर यहाँ पर खत्म होता हो जाता है, ठीक है। बस बस इसमें देखिए मक्खी बैठल, बस इसमें देखिए ये इसमें एक प्रॉब्लम है, बस इसमें तो 180 तक ही है, इसमें 180 तक ही, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता कि बस ये कोण इतना ही बनता है 180, मेरी वीडियो है एंगल, तो वह वीडियो आप नहीं देखिए देख लीजिए, उसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए, ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, देखिए ये आप देख लीजिए वह वीडियो, उसमें एंगल के बारे में कितने पार्ट होते हैं क्या होते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, उसके कितने प्रकार हैं और उसमें क्या क्या होते हैं कैसे कोण बनाया जाता है आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो वह वीडियो मैं आई के बटन पर भी दे दूंगा और मैं ये वह वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका जीरो से स्टार्ट होता है 180 तक, अब ये जो आपके नीचे से फ्री हमको लगता है बस 180 तक ही कोण बनता है डिग्री बनता है, नहीं आप गलत है, ये जो आप ये आपका 180 तक बना और ये जो इसका नीचे वाला इतना और रहता है यहाँ से स्टार्ट होता है फिर यहाँ पर आके खत्म होता है, तो ये हमारा 180 तक, यानी ये 180 है और फिर यहाँ से फिर से 190, 200 ये ऐसे ऐसे होते होते फिर यहाँ पर आता है और यहाँ पर हमारा 360 डिग्री का बन जाता है, तो इसीलिए लिख दिया 360 डिग्री, तो यानी ये पूरा आपका प्रोटेक्टर 360 का बनता है, यानी पूरा कोण 360 डिग्री का ही बनता है, तो ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है चलिए ये आपको पता चल गया। अब ये आपका आ जाता है वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, क्या है वृत्तखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यही है हम देखेंगे ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या है वृत्तखंड में, ए ओ बी ठीक है इसी का क्षेत्रफल वृत्तखंड में देखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला आ जाता है, इसका फॉर्मूला है ये आपका जो फॉर्मूला आ जाता है कौन सा, देखिए इसका फॉर्मूला 1/2 और उसके बाद मल्टीप्लाई फिर आपका चाप बी ए बी फिर एल ए बी एल एल आर, इसीलिए लिखा आर यानी होता है त्रिज्या, इतना लिखना है, उसके बाद यहाँ पर हम बराबर करें तो इधर लाइन नहीं पड़ रही है तो हम इधर लिखते हैं नीचे, फिर यहाँ पर बराबर फिर चिन्ह देना इसके बाद, उसके बाद क्या है
तो बराबर देखे क्या करना है, इतना लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर फिर लगाना है, फिर लिखिए आप पाई आर स्क्वायर ओ लगाना है, पाई आर स्क्वायर ओ लगा के अपॉन 360 यहाँ पर जैसे लगाया, ठीक है, सेम टू सेम करना है। फिर बराबर देखे 1/2 लगाइए, फिर एल और आर लगाइए, आर यानी हुआ त्रिज्या, क्या हुआ त्रिज्या हुआ, ठीक है। तो यही हो गया हमारा फॉर्मूला वृत्तखंड एओबी का क्षेत्रफल, तो हमारा यहाँ से देखिए एओबी, तो हमारा हो गया फॉर्मूला इसी का यही हुआ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो यही जो इसके 8 पार्ट हैं ये आपको याद रखने बहुत ही जरूरी हैं, तो आपका ये सर्कल का ये जो इसका पार्ट है वो आपसे बनेगा, ठीक है। तो मैंने आज आपको सर्कल बताया, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए, ऐसी वीडियो चाहिए तो हम आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे, मैसेज ऐसी वीडियो लाते, तो मैंने आज आपको सर्कल बताया, ठीक है। तो ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा, और जो मैंने बताया कि एंगल देख लीजिए मेरी वीडियो, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में और चीज़ मैं दे दूंगा, ठीक है, तो तुरंत आप देख लीजिएगा, चलिए ठीक है, चलिए।